महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चित प्रकोष्ठ द्वारा COVID-19 और उच्च शिक्षा की चुनौतियां और समाधान नई शिक्षा नीति के आलोक में विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति और मेरे अनन्य मित्र तथा शुभेच्छु प्रोफेसर TN सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में द्रष्टव्य प्रोफेसर नीलमा गुप्ता जी, यशस्वी कुलपति छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, हमारे प्रिय भाई प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी NAP 2020 उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में ही द्रष्टव्य और संबद्ध जिस विश्वविद्यालय से मैं यहाँ आया हूँ, वहाँ के पूर्व कुलपति और वर्तमान में यशस्वी कुलपति SK वैदिक विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ प्रोफेसर अशोक कुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में ही संबद्ध दिख रहे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी, आपको बधाई भी उसका कुलपति होने की, प्रोफेसर KS जायसवाल जी जिनका पहले शुरू में ही ध्यान कर लिया, और उप समन्वयक डॉक्टर संदीप गिरी जी, अन्यान्य वे सभी जो इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं अथवा सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं। मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम आयोजित है। जब भी हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में विचार करते हैं तो इसमें जो विधान किया गया है, भारतीय चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा और बोध परंपरा की त्रिवेणी का समावेश करते हुए भविष्योन्मुखी नीति, जिसमें संकल्प से सिद्धि की ओर जाने का विधान है, मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने का विधान है, सनातनता को आधुनिकता से जोड़ने का विधान है, भारतीय परंपरा और चिंतन धारा को वेगवान बनाने का विधान है, मानवीय कला विज्ञान स्पोर्ट्स अनुसंधान विज्ञान सब क्षेत्रों में जो भी ज्ञान की विधाएं हैं, प्रवीणता प्राप्त करने का विधान है, वंचित क्षेत्र और समूह के लिए विशेष शैक्षणिक प्रक्षेत्र एवं निधि की स्थापना का इसमें विधान है, एक समग्र शिक्षा नीति होलिस्टिक जिसे कहते हैं, जिसके माध्यम से भारत को ज्ञान लोक की महानतम शक्ति बनाने का संकल्प है, उसका उपक्रम भी है। ऐसी शिक्षा नीति पर जब भी हम लोग विचार करते हैं तो एक तो इसकी विद्यमान परिस्थितियों के बारे में, चुनौतियों के बारे में, चुनौतियों को कैसे अवसर में ढाल लें, और अगर चुनौती शेष बच जाती है तो उसका हम कैसे समाधान करें। हम आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में जो प्राथमिक स्तर से लेकर, या कह लें प्राथमिक पाठशाला से लेकर अनुसंधान शाला तक, अर्थात प्राइमरी पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक, शिक्षा को एक सूत्रता प्रदान करने की कोशिश इसमें की गई है। इसीलिए इसे समग्र शिक्षा नीति कहते हैं, जिसमें अंक अक्षर भाव भाषा ज्ञान से लेकर के अनुसंधान तक का एक समेकित विधान है, और पहली बार आंगनबाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक को इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करने का, भागीदार बनाने का भी विधान है। इसीलिए जो योजना है प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर को एक में मिलाकर 5+3+3+4 को आगे उच्च शिक्षा में ले जाने का, यह एक ऐसी योजना है कि जिसमें न केवल हम अपने परिवेश का बोध कर सकेंगे अपितु भारतीय अस्मिता की पहचान और इसका विस्तार पूरे विश्व में कैसे हो, यह भी इसमें ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से हम कैसे एक नैतिक मानव तैयार करेंगे, नैतिकता और संवैधानिक मूल्य को कैसे हम अध्ययन प्रणाली में ला करके यहाँ से एक ऐसे कुशल व्यक्ति को तैयार करेंगे जिसके अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का गुण होगा और उसके अंदर संवैधानिक मानवीय मूल्य होंगे, सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान और संरक्षण बोध, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, मानवता और न्याय जैसे उदात्त गुणों को विकसित करने की योजना है। इसीलिए कहा जाता है यह शिक्षा नीति भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने का पर्याय भी है, माध्यम भी है और एक विधा भी है। इसमें विशेष करके हम सभी उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, इसलिए विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विधान, गुणवत्ता परक शिक्षा और गुणवत्ता परक अनुसंधान, यह मान्यता है
कि गुणवत्ता परक अनुसंधान से ही गुणवत्ता परक शिक्षा की व्यवस्था होती है और गुणवत्ता परक शिक्षण संस्थान निर्मित होते हैं। इसलिए इसमें आप सभी ने पहले ही चर्चा किया होगा, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट का रेशियो बढ़ाया जाए 2035 तक, इसे 50% किया जाए। लेकिन जो इसकी विशिष्टता है वह यह है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष और 4 वर्ष का होगा और इस 3 वर्ष में अगर पहले वर्ष कोई विद्यार्थी पढ़ा तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, उसकी डिग्री हो जाएगी। 2 वर्ष तक पढ़ा तो डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, 3 वर्ष तक पढ़ा तो स्नातक की डिग्री मिलेगी। लेकिन 1 वर्ष पढ़ के जाने के बाद अगर 2-3 साल वो आजीविका करने के बाद वापस आना चाहता है तो उसे पुनः प्रवेश मिलेगा और पहले वर्ष का क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक में, जिसे डीजी लॉकर कहते हैं, जमा रहेगा। अर्थात उसकी पढ़ाई आने के बाद भी क्रम में मान ली जाएगी, बाधित नहीं मानी जाएगी, खंडित नहीं मानी जाएगी, अवरुद्ध नहीं मानी जाएगी और वह पुनः डिप्लोमा कोर्स कर सकेगा अथवा स्नातक कर सकेगा। इसका आशय ये है कि जैसे अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के पास विषय का विकल्प होगा, ठीक उसी तरह आजीविका के लिए भी उसके पास विकल्प होगा। सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद, कोई नौकरी करने के बाद अगर उसे लगता है कि डिप्लोमा कोर्स की नौकरी करनी चाहिए तो जा सकता है। डिप्लोमा कोर्स के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद, नौकरी करने के बाद लगता है कि नहीं स्नातक डिग्री से संबंधित नौकरी करनी है तो स्नातक करके वो नौकरी कर सकता। अर्थात व्यवसाय आजीविका के माध्यम नौकरियों में भी विकल्प होगा आज की युवा पीढ़ी के पास, जो इस शिक्षा नीति के माध्यम से आगे बढ़ेगी। मूल भाव इसमें यह है कि विषय ऐसे हों, इस तरह के हों और इतने अधिक हों कि हमारे देश के विद्यार्थी अभी जिन विषयों की पढ़ाई के लिए विदेश में जा रहे हैं उन्हें हम यहीं पर रखें। एक चुनौती कि हम उन विद्यार्थियों को कैसे यहाँ लाएं। आज वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में समादृत मोदी जी ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, स्टे इन इंडिया स्टडी इन इंडिया, कि अब वह समय आ गया है कि वर्तमान विषाणु COVID-19 के दौर में हमें अपने आजीविका के स्थल से, अपने अध्ययन के स्थल से वापस मूल स्थान पर जाना पड़ा। हमारे यहाँ की बहुत सारी मेधा, बहुत सारी संपदा विदेशों में चली जाती है कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक चुनौती ये है कि अब अपने ही देश में हम उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दें, विषय दें, व्यावसायिक पाठ्यक्रम दें, प्रशिक्षण दें कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी इसी देश में उच्च शिक्षा के सभी सोपान प्राप्त कर सकें। इसलिए ऐसी व्यवस्था दी गई है, विश्वविद्यालय स्तर पर जो अनुसंधान के प्रमुख केंद्र होंगे वहाँ गुणवत्ता परक अनुसंधान की व्यवस्था होगी और गुणवत्ता परकता से आशय है कि तथ्य परक हो, विश्लेषण युक्त हो, ज्ञान परक हो, बोध परक हो, रचनात्मक हो, उचित हो और सर्वग्राह्य हो, मानवता कल्याण के लिए हो। पहले हम लोग कहा करते थे कि प्रयोगशाला में इस प्रकार से प्रयोग होने चाहिए, इस प्रकार से खोज और अनुसंधान होना चाहिए कि उसे हम जमीन तक ले जाएं, फ्रॉम लैब टू लैंड, जैसे हमारे यहाँ की परंपरा रही है ऋषियों मंत्र द्रष्टारह की, ऋषि और कृषि परंपरा। जो आचार्य होते थे वो मंत्र द्रष्टा होते थे, मंत्र अर्थात फार्मूला, उसे बनाना, देखना, फिर लोक कल्याण के लिए उसे भेज देना, इस सब का विधान अब अनुसंधान के माध्यम से होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो विद्यार्थी है उसमें 3 प्रकार के भाव हों। पहला भाव क्रिएटिविटी का, दूसरा क्यूरियासिटी का और तीसरा कमिटमेंट का। उसके अंदर जिज्ञासा हो, रचनात्मकता हो और संकल्पबद्धता हो, कमिटमेंट हो कि हमें बहुत आगे जाना है और देश को आगे लेकर जाना है। इसलिए जरूरी है कि जैसे शिक्षा के 5 स्तंभ नई शिक्षा नीति में हैं, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, उसी तरह संस्थानों को भी तैयार होना पड़ेगा वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए और आने वाले भविष्य के लिए अपने को तैयार करने के लिए। जरूरी है कि इसके लिए इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस हो,
विश्वविद्यालय परिसर में हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो विद्यार्थी के उन्नयन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक हो, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम, अन्य अन्य सुविधाएं। फैकल्टी रेडनेस होनी चाहिए कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके पास आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण बोध होना चाहिए, अर्थात कंप्यूटर का ज्ञान, ई लर्निंग के साथ ही साथ विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का समुचित ज्ञान, ई कंटेंट तैयार करना, उसे अपलोड करना, यह सारी बातें उनके पास होनी चाहिए। इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स रेडीनेस होनी चाहिए, विद्यार्थियों की तत्परता, अनुशासन और बोधगम्यता का भाव, एक ललक की शिक्षा के माध्यम से ही सुधार संभव है, परिष्कार संभव है, उद्धार संभव है और राष्ट्र का निर्माण संभव है। साथ ही साथ लाइब्रेरी की भी रेडनेस होनी चाहिए कि लाइब्रेरी बिल्कुल अपडेट हो, क्योंकि ज्ञान के बहुत सारे कोर्स पुस्तकालय में ही रहते हैं। ई लर्निंग की विधा है, ई लाइब्रेरी है, ई कंटेंट है, ई बुक्स है, ई जर्नल्स हैं, सबसे इसका तालमेल और सबसे इसे परिपूर्ण होना है। इस प्रकार की तैयारी है तो विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थान जो महाविद्यालय हैं बहुत आगे जा सकते हैं आज के दौर में। इसके लिए सेंस ऑफ इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस का भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, सा विद्या या विमुक्तय, कि ऐसी विद्या हो जो हर प्रकार की बाधा से, अभाव से, वर्जना से, संकीर्णता से मुक्त करे, उसकी प्राप्ति हो सकेगी यथार्थ के धरातल पर। और जो पर्पज ऑफ एजुकेशन है, सर्वोन्नति और आत्मनिर्भर भारत, इसकी प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए जरूरी है कि हम समयबद्ध हों, कटिबद्ध हों, फिर हमारे पास रोड मैप हो, टाइमलाइन हो और अपने रिसोर्सेज के ध्यान में रखते हुए हम नई शिक्षा नीति को लागू करें। आज जो विशेष चिंता है, विशेष आवश्यकता है इसके क्रियान्वयन की, इस कोविड फेज में ब्लेंडेड मोड से पढ़ाई हो रही है। इस अदृश्य विषाणु का अगर सर्वाधिक कम प्रभाव कहीं दिखता है तो शिक्षा व्यवस्था पर दिखता है। यद्यपि हमारे विद्यार्थी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम अपने सभी विद्यार्थियों से संबद्ध हैं। निरंतर अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है, जिसके लिए निरंतर माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रोत्साहित करते रहते हैं। अब जरूरत है कि नए प्रकार के पाठ्यक्रम बने, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुविकल्पी व्यवस्था देनी है कि अपने रुचि के हिसाब से पढ़े। फिजिक्स केमिस्ट्री का विद्यार्थी म्यूजिक भी पढ़ ले, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का विद्यार्थी मेटलर्जी पढ़ ले, बाटनी पढ़ ले, अर्थात अपने रुचि के हिसाब से पढ़े, जिससे उसे आजीविका मिल सके। और क्रमशः समाज की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था और अंततः मानवता की व्यवस्था सुचारू रूप से करने में वह समर्थ हो सके। तो इसके लिए पाठ्यक्रम परिवर्तन यह पहली आवश्यकता है, एक चुनौती भी है, और सभी विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया में अब सन्नद्ध हो गए हैं। फिर पाठ्य पुस्तकों की रचना, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से पाठ्य पुस्तकें निर्मित हों, ई पोर्टल पर भी सुलभ हों और साथ ही विद्यार्थियों के पास ऑफलाइन अध्ययन करने के लिए भी सुलभ हों तो ज़्यादा सुविधा होगी। एक समस्या होगी अनुवाद की, कि बहुत सारी जानकारियां अनेक इतर भाषाओं में सुलभ हैं। अब इस नई शिक्षा नीति में स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में, आंचलिक भाषा में शिक्षा देने का विधान है, त्रिभाषा सूत्र लागू हो गया है, तो उसमें अनुवाद की भी एक समस्या है। कुशल अनुवादक होंगे तो कार्य चलेगा, पाठ्य पुस्तकें सुगम होंगी, सहज होंगी, सुलभ होंगी। प्रवेश और परीक्षा अध्यापन के साथ ही साथ, अब यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर अब हमें ब्लेंडेड मोड से ही इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, पहले से भी होती रहीं, अब थोड़ा इसका विस्तार किया जाना है। चुनौती यह है कि अभी भी बहुत विद्यार्थियों के पास संभव है एक लैपटॉप ना हो, स्मार्टफोन ना हो। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्षों में 40% और महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन, टैबलेट जिसे हम टैबलेट भी कहते हैं, उसके माध्यम से पहुंच बनाई जाएगी, ताकि ऑनलाइन मोड से
अध्ययन में विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो। अभी भी सामाजिक असमानता और डिजिटल विभेद है, इसका निराकरण एक चुनौती है जो क्रमशः होगा और इस शिक्षा नीति का पहला संकल्प है एक्सेसिबिलिटी, अर्थात हर उस संस्थान तक शिक्षा व्यवस्था की पहुंच जहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए थे। पहली बार डिग्निटी ऑफ लेबर का भी इसमें विधान किया गया है। विद्यालयों को खोलना है, विश्वविद्यालयों को खोलना है। कोविड 19 फेज कब प्रभाव शून्य होगा यह अभी तय नहीं है, तो ऐसे में क्रमशः कैसे विद्यार्थियों को संस्थान में आने दिया जाए, रिसर्च में लगे हुए विद्यार्थियों को, प्रोजेक्ट में लगे हुए विद्यार्थियों को या फिर एंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को, यह भी एक विचारणीय विषय है जिस पर क्रमशः समाधान का पथ खुल रहा है, तैयार हो रहा है। संस्थाओं को सुसज्जित करना है, साथ ही साथ पारंपरिक अध्यापन की व्यवस्था भी रखना है, क्योंकि शिक्षा में संवाद बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ऑनलाइन मोड में हम सामग्री सुलभ करा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष संवाद के अपने फायदे होते हैं। एक समस्या प्रैक्टिकल के विषयों को लेकर है, लेकिन अब आभासी तरीके से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, फिर भी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल भी आवश्यक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक रूपांतरण का विधान है। एक चिंता यह है कि बहुत ज़्यादा दूर रहने पर, बहुत ज़्यादा आवास केंद्रित हो जाने पर कभी कभी दबाव की अनुभूति होती है, उसका निराकरण किया जाना है, विशेषकर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो मनोविज्ञान में लगे हुए हमारे आचार्य हैं, दक्ष शिक्षक हैं, तो उनके माध्यम से निरंतर संवाद के द्वारा और सुझाव के द्वारा, क्योंकि इस शिक्षा नीति का स्वरूप वैश्विक है, इसकी आत्मा भारतीय है, संकल्प वैश्विक नागरिक बनाने का है, तो इसलिए किसी भी स्तर पर विद्यार्थी के ऊपर दबाव ना हो, दबाव से मुक्त करने का विधान और प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाना है और यह कार्य विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों को करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे सभी शिक्षण संस्थान और उसमें लगे हुए सारे दक्ष आचार्य इस शिक्षा नीति के संकल्प को पूरा करेंगे। संकल्प है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत और ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति भारत। आइए हम सभी मिलकर भारत को ज्ञान की दुनिया का महाशक्ति बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।